वन तो आज हम बनाएंगे ये छोलिया, हरे वाले छोले के अंदर जो उस टहनी के अंदर जो थोड़े थोड़े पके हुए छोले होते हैं ना, हम उसे अलग कर लेते हैं। तो उसे हम छीलते नहीं हैं और हम ऐसे इसके ऊपर कढ़ाई, नॉन स्टिक कढ़ाई में या वैसे ही कढ़ाई में आप डाल के इसे इस तरह से, मैंने तवे के ऊपर डाला है, आप इसे इस तरह से भून सकते हो। इसको गैस सिम करके ही भूनना होगा, अंदर हल्का हल्का सा जो छोलिया है वो भुन जाएगा। और अभी आपको दिखाऊंगी भून भून के, सिम पे मैं इस तरह से हिला हिला के किस तरह से इसे तैयार करती हूँ। पहले के टाइम में गांव में लोग क्या करते थे कि जब छोलिया ये निकाला और आग तंदूर होते थे या चूल्हे होते थे तो उसमें ये डाल देते थे, बूटा जो पके हुए छोलिए का होता था उसमें ऐसे भुन जाता था। ये देखिए हमें ये तवे पे भुनाए थे, देखिए हल्का हल्का ये भुनना शुरू हो गया है। इसी तरह से सारा का सारा भुन जाएगा और फिर हम इसको खाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे करना है। देखिए सारा कलर चेंज होना शुरू हो गया है इसका। कितना बढ़िया हो रहा है ये देखिए, कुछ ही दाने फट भी गए हैं। देखिए सारा का सारा इसी तरह से हो जाएगा। इधर देखिए ये बिल्कुल रोस्ट हो गया और इसके अंदर से जो छोला चना होता है ना ग्रीन वाला, वो रोस्ट इतना हो जाता है और वो थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता है तो खाने में बहुत स्वाद आता है। इसको बिना किसी नमक बिना किसी मसाले के खा सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप उस तरह से कोई मसाला भी डाल सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं होती ऐसे इसको भून के खाने के बाद। ये कितना बढ़िया कलर आया है ये देखिए, ये इस तरह से सारा रेडी हो जाएगा। इसको पलटते पलटते रहेंगे इसी तरह से, ये देखिए। इसे आप शाम की चाय के साथ या किसी भी टाइम आप इसको खाना चाहें तो खा सकते हैं। इसके लिए किसी भूख की ज़रूरत नहीं होती, ये तो ऐसे चलते फिरते बहुत अच्छा लगता है खाने में। हार्डली 5 मिनट लगेंगे इसको रेडी होने में, 5 मिनट में बिल्कुल सिक जाएंगे और क्रिस्पी क्रिस्पी छोलिया भुना हुआ अभी आपको दिखाऊंगी क्या बढ़िया हुआ है। दिख रहा है सारा कि हाँ किस तरह से रेडी हो रहे हैं, ये कलर चेंजिंग सारी देख रहे हैं इसकी आप, ये देखिए। इसी तरह से हमें इसे भूनना है तवे पर या कढ़ाई में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों। मैंने अभी चपाती बनाई थी तो मेरा तवा गर्म था तो मैंने इसीलिए इसके ऊपर ही डाल दिए सारे और ये रेडी हो रहे हैं। इसमें ये सारे सिक गए हैं, अब तो मैं इसे प्लेट में डालूंगी और इसे गरम गरम ही खाएंगे क्रिस्पी क्रिस्पी चने को। कितने बढ़िया रोस्ट हुए हैं और अब मैं इसे रेडी करके ये खिलाने के लिए जाती हूँ सबको। और आप देखिए लाइक, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप ये रेसिपी ज़रूर बना के देखिएगा, करना इसमें कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ चने इसमें तवे के ऊपर भूनने हैं, दैट्स इट।